नमस्कार साथियों, आज की हमारी वीडियो मध्य प्रदेश के सभी अध्यापक साथियों के लिए है। जैसे कि आप देख रहे हैं, घोषणा के बावजूद अध्यापकों के साथ धोखा कर रहे हैं शिवराज। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विगत 29 मई को कैबिनेट में अध्यापकों के सम्मिलियन का फैसला लिया था, लेकिन इसे अब तक अमल नहीं किया गया है, जिसको लेकर अध्यापकों में आक्रोश है और वे सरकार के खिलाफ अनशन कर रहे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने शिवराज पर निशाना साधा है। अगर आप पूरी जानकारी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और भी महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आपके कोई विचार हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं, लेट्स गो। प्लीज सब्सक्राइब करें आपका दोस्त चैनल को, और पास में आएगा बेल का आइकन, उस पर आप क्लिक कर दीजिए और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे हमारी वीडियो की उन्होंने कहा कि अध्यापकों के साथ मुख्यमंत्री ने अन्याय किया है। अध्यापक पिछले 5 वर्षों में 91 बार अपनी मांगों को मनवाने के लिए राजधानी में एकजुट हुए हैं। इस बार अपनी मांगों को लेकर पुनः एकत्रित हुए हैं। हमारी कई महिला अध्यापक बहनों ने मांगें मनवाने के लिए मुंडन कराकर अपना सशक्त विरोध तक दर्ज कराया। इस विरोध के बाद भी मुख्यमंत्री ने सम्मिलियन की घोषणा की थी, लेकिन अब तक अध्यापकों को दिए गए आश्वासन और की गई घोषणा से वे एक बार फिर पलट गए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने प्रदेश के 284,000 अध्यापकों के साथ धोखा किया है, लेकिन जब तक आदेश जारी नहीं होते उसे देखकर सभी अध्यापक अपने आप को ठगा महसूस करने लगे हैं, क्योंकि यह आदेश संविलियन का न होकर नया कैडर बनाने का था। इस दोषपूर्ण आदेश के कारण अध्यापकों की 20 से 22 वर्ष की वरिष्ठता समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा जो अध्यापक 2005 के पूर्व भर्ती हुए थे, वो रिटायरमेंट के बाद पेंशन से के लाभ से वंचित हो जाएंगे। कमलनाथ ने कहा कि अध्यापकों की मांग थी कि उन्हें 7वें वेतनमान का लाभ 1 जनवरी 2016 से दिया जाए, लेकिन उन्हें वेतन का लाभ 1 जुलाई 2018 से दिए जाने का निर्णय का वे विरोध कर रहे हैं। इस तरह मुख्यमंत्री द्वारा उन्हें आर्थिक नुकसान पहुंचाकर उनके साथ एक और धोखा होगा। यदि सरकार में जरा भी नैतिकता और वचनबद्धता शेष है तो वह अपने वायदे घोषणा और निर्णय के अनुरूप अध्यापकों का शिक्षा विभाग में संविलियन और उन्हें वेतनमान का लाभ 1 जनवरी 2016 से दिए जाने का संशोधित आदेश तत्काल जारी करें, ताकि उनकी वरिष्ठता बनी रहे और आर्थिक नुकसान ना हो। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो ये वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी अध्यापक साथियों को यह महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। आपका दिन शुभ हो।